हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्ञानेश्वरी श्रीवास्तव GGIC प्रयागराज से कक्षा 6 के बच्चों को संबोधन करना चाहती हूँ। हमारा विषय है सामाजिक विषय का पार्ट भूगोल, पार्ट 1, हमारा सौर मंडल। रात में खुले आसमान से जो चमकती हुई आकृतियाँ दिखाई देती हैं वह चंद्रमा और तारे हैं। तेज प्रकाश और प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर यह आकृतियाँ अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आकाश में दिखाई देने वाली आकृतियाँ खगोलीय कहलाती हैं, जिससे चंद्रमा, सूर्य, तारे आदि शामिल हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं, इनमें स्वयं प्रकाश और ऊष्मा होती है। बच्चों, हमारे आकाश में अरबों तारे हैं और सूर्य भी हमारा एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। आकाश में अनेक तारे हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं, और फिर भी ये तारे हमेशा छोटे एवं कम प्रकाशमान दिखाई देते हैं। बच्चों, कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा दूरी अधिक होने के कारण होता है। दूरी अधिक होने के कारण बड़ी एवं प्रकाशमान चीज़ें हमेशा हमको छोटी दिखाई देती हैं। हमारा है इसके आगे का विषय नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या है? रात्रि के आकाश में तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। सप्तर्षि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण हमेशा से किया जाता रहा है। सौर मंडल, सौर मंडल क्या है बच्चों? सूर्य 8 ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल बनाते हैं, जिसे हम सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य बच्चों, ये सूर्य क्या है जिसे हम लोग प्रतिदिन देखते हैं, जो हमको प्रकाश देता है? तो सूर्य सौर मंडल केंद्र में स्थित गर्म गैसों से बना तारा है। इनके मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ग्रह जो आकाशीय पिंड आपसे तारे के चारों ओर, अपने तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रहों में स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, जो क्रमशः है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सभी ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। जब ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो इसे परिक्रमण कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहते हैं। बच्चों, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, क्या हम उस पृथ्वी के विषय में कुछ जानते हैं? आइए हम लोग उस पृथ्वी के बारे में जानें कि हमारी पृथ्वी क्या है और कैसी है। दूरी के क्रम में पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है, और पृथ्वी आकार में बहुत बड़ी होने के कारण यह हमारे विश्व में सबसे बड़ा 5वां ग्रह है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य सभी का जीवन निर्वाह होता है, जिस कारण इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर जल की अधिकता अधिक होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। चंद्रमा, चंद्रमा बच्चों, रात में हमको चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है। हम सभी लोग चंद्रमा के बारे में जानते भी हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 384,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, जिसे हम चांदनी कहते हैं। चांदनी से मतलब बच्चों, जब हमको बहुत अधिक रोशनी दिखाई देती है।
पृथ्वी के सबसे निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। धन्यवाद बच्चों।